नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जयपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ। ये जयपुर जंक्शन का रेलवे स्टेशन, और आज यहाँ से ये वीडियो शुरू करके हवा महल तक जाने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस पूरे सफ़र को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। और ये हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा। यदि आपको रेलवे स्टेशन से सिटी में जाना हो, हवा महल जाना हो, तो मेट्रो भी है जो सामने जैसे जा रही है, और ये इधर ही मेट्रो का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का मेट्रो। और ये स्टेशन के बाहर आपको टेम्पो वगैरह, बैटरी वाली गाड़ियाँ, ये सब आपको यहाँ से मिल जाती हैं, या सिटी बसें। ये सीधा रास्ता आगे सिंधी कैंप और आगे फिर सिटी का है। आइए चलते हैं। और ये सामने ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आगे सिंधी कैंप आ जाता है। आइए आगे चलते हैं। और इसी ब्रिज के नीचे ये कलेक्ट्रेट की तरफ से आता हुआ रास्ता, और सामने ये बोर्ड लग रहा है, आप देखें यहाँ पर शास्त्र नगर, अम्बाबाड़ी, विद्याधर नगर, बनी पार्क, कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय। और ये आगे सीधा जो है नीचे ये ब्रिज जाता हुआ आगे, और ये ऊपर मेट्रो का। आइए आगे चलते हैं। और ये ब्रिज से नीचे आते ही बड़ा सा एक रेस्टोरेंट कांजी का, और आगे ये आगे का व्यू है, और ये सामने पोलो विक्ट्री है। और इधर हम देखेंगे दिए जयपुर की फेमस रावत कचौरी, ये रावत कचौरी का, और ऊपर ये मेट्रो। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड, और ये सिंधी कैंप मेट्रो, उत्कर्ष सिंधी कैंप मेट्रो का नाम, और नीचे बस स्टैंड। आइए और आगे चलते हैं। और ये सिंधी कैंप बस स्टैंड, और ये सिंधी कैंप बस स्टैंड का एंट्री पॉइंट, जहाँ से बसें अंदर जाती हैं। और ये सामने का पूरा व्यू, और ये आगे सिटी को जाता हुआ रास्ता। आइए आगे चलते हैं। और ये जन्नी हॉस्पिटल, जनाना अस्पताल चांदपोल, और ये इसके सामने का पूरा व्यू आप देख लें। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ सेंट एंड्रयू चर्च, 1917 में बना हुआ, 1917 में बना हुआ ये चर्च। और ये इसके सामने यहाँ चांदपोल मेट्रो। आइए आगे चलते हैं। और ये सामने चांदपोल मेट्रो, और ये यहाँ पार्किंग इस सर्किल के अंदर, यहाँ तक ये चांदपोल मेट्रो का, चांदपोल गेट का पूरा व्यू है, ये देखिए आप बना हुआ। और ये सामने का चांदपोल गेट के सामने का पूरा मार्केट का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये बिल्कुल सामने से चांदपोल गेट, इसी गेट से हम अंदर से निकलेंगे, जो ये ट्रैफिक जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। और ये चांदपोल गेट से अंदर आते ही चांदपोल हनुमान मंदिर,
और ये चांद पोल का अंदर का पूरा व्यू। और ये गेट के अंदर से आता हुआ ट्रैफिक और ये दूसरी साइड का व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये चांदपोल गेट से आगे आते ही आगे का पूरा मार्केट और ये एम्बुलेंस जा रही है। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ अभी हम आ गए हैं जाट के कुएं का रास्ता, इधर ये गली जा रही है। और सामने की तरफ देखेंगे तो भिंडो का रास्ता, ये चांदपोल बाजार पूरा का पूरा। आइए आगे चलते हैं। और ये चांदपोल में ही एक और चौराहा आ गया है, यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। और इधर ये जयलाल मुंशी का रास्ता अंदर गया है। और ये सामने का पूरा व्यू यहाँ का, काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है सिटी के अंदर। आइए आगे चलते हैं। और ये गोविंद राव जी का रास्ता है इधर। और सामने की तरफ देखें तो खेजड़ों का रास्ता, ये सामने गली जा रही है। आइए और आगे चलते हैं। और ये दीनानाथ जी की गली, काफ़ी फेमस गली है ये, इसके अंदर पूरा मार्केट है, ड्राई फ्रूट और जो ड्राई फ्रूट से के प्रोडक्ट हैं वो सब यहाँ मिलते हैं। और ये पूरा मार्केट। आइए आगे चलते हैं। और अभी घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए हैं। ये आप देखें तो ऊपर जयपुरी साफे रखे हुए हैं, चुनरी के साफे। और यहाँ ये बोर्ड आपको बता रहा है यदि हम लेफ्ट में जाते हैं तो गणगौरी बाज़ार, राइट में जाते हैं तो किशनपोल बाज़ार और सीधा निकलते हैं तो त्रिपोलिया गेट। ये जो आपको इसरलाट दिखाई दे रहा है इसी के पास में आगे त्रिपोलिया गेट है और ये इसरलाट है। ये ऊपर से आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, 50 रुपये का टिकट आपको लगता है। अभी यहाँ से पूरा व्यू आपको जयपुर का मिल जाता है। और अभी हमारे सामने यहाँ पर ये छोटी चौपड़ है, ये मंदिर के पास में इधर छोटी चौपड़। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ छोटी चौपड़, और ये छोटी चौपड़ से सीधा निकलते हैं तो बड़ी चौपड़ की तरफ और हवा महल की तरफ। और ये इधर साथ में ये छोटी चौपड़ मेट्रो, क्योंकि अभी हम जहाँ खड़े हैं उसी के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ ये जंतर मंतर को जाने वाला सिटी प्लेस और हवा महल की पार्किंग को जाने वाला रास्ता, यहाँ से आप अंदर जाके पार्किंग कर सकते हैं। और ये सीधा हाईवे जो जा रहा है ये सिटी के अंदर सीधा निकलेगा सूरज पोल तक, हमें बड़ी चौपड़ हवा महल तक जाना है। आइए आगे चलते हैं। और ये त्रिपोलिया का चौराया, इधर ये त्रिपोलिया गेट। और ये पूरा ट्रैफिक यहाँ का त्रिपोलिया गेट का। ये त्रिपोलिया गेट सामने से, आइए और आगे चलते हैं। और ये त्रिपोलिया बाजार से आगे निकलते ही आगे का मार्केट। आइए आगे चलते हैं। और ये हवा महल जाने का रास्ता, 9 बजे से 6:30 बजे तक हवा महल खुला रहता है और यहाँ से आप हवा महल में अंदर जा सकते हैं। अंदर आप टिकट लेके अंदर से आप देख सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। और ये अभी हम आ गए हैं बड़ी चौपड़ पे, ये यहाँ बड़ी चौपड़।
और ये यहाँ का पूरा मार्केट। और ये बड़ी चौपड़ मेट्रो गेट नंबर 1, सामने ये मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो जो सिटी के अंदर अंडरग्राउंड है। और ये सामने बड़ी चौपड़, और ये सामने आपके हवा महल। और ये हवा महल के सामने का पूरा व्यू। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। यदि चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।